नमस्कार दोस्तों, यदि आपने पोर्चुलाका अपने गार्डन में लगा रखी है और अब सितंबर के महीने में इनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है या बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं होती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सितंबर के महीने में हमें पोर्चुलाका में क्या क्या ज़रूरी काम करने हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि इन पौधों से अधिक फ्लावरिंग ली जा सके। यदि हम सितंबर के महीने में इनकी अच्छी देखभाल करते हैं तो इनमें नवंबर तक फ्लावरिंग हो जाएगी। अक्टूबर नवंबर के बाद ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, उसके बाद इनकी फ्लावरिंग रुक जाती है। ये समर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और इनमें बहुत सारे कलर के फूलों वाली वैरायटी आपको नर्सरीज में मिल जाती हैं। उसके बाद हमें इन पौधों को सेव कर लेना है ताकि नेक्स्ट सीजन में ये पौधे हमारे गार्डन में बने रहें। अगले सीजन के लिए हमें इन पौधों को बचाने के लिए क्या क्या काम करने हैं, मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी देने वाला हूं। अब सितंबर के महीने में भी देखिए, इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसमें लगातार फ्लावरिंग होती रहती है, हर रोज़ बहुत सारे फूल इन पौधों में खिलते रहते हैं। जब कभी मैं इन पौधों में पानी डालना भूल जाता हूँ तो इनकी फ्लावरिंग कम हो जाती है। हमें इनकी मिट्टी को नहीं सूखने देना है क्योंकि अब इस समय सितंबर के महीने में इतनी तेज़ धूप और गर्मी पड़ती है कि इसकी मिट्टी हर रोज़ सूख जाती है। वैसे तो पोर्चुलाका के पौधों में बहुत ही कम पानी डालना पड़ता है, मगर अब इस समय इन पौधों में आप हर रोज़ पानी डालें। इसके गमले को पूरा पानी से भर दीजिए। पोर्चुलाका के छोटे छोटे सैकुलेंट वैरायटी के पत्ते होते हैं और इनके पत्तों का कलर यदि पीला होने लगे तो आप ये जान लीजिए कि इनमें पानी की कमी हो रही है। आप इनके पत्तों के कलर को हरा बनाए रखें, इसके लिए हमें इसमें हर रोज़ पानी डालना है। इनकी कटिंग लगाकर हम इनके बहुत सारे पौधे बना लेते हैं, इसलिए हम इन पौधों की कम देखभाल करते हैं। यदि इन पौधों की अच्छी देखभाल की जाए तो ये पौधे फूलों से भरे रहते हैं। मैंने इन पौधों को लगाने के लिए किसी विशेष साइज़ के गमले का भी इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने इनको वेस्ट बोतल में ही काट कर लगाया हुआ है। ज़्यादातर मैं इन प्लांट्स को वेस्ट कंटेनर और खाली बोतल में ही लगाता हूँ। वेस्ट बोतल और खाली कंटेनर्स में ही देखिए इनमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है और इनमें लगातार फ्लावरिंग हो रही है। अब इस समय सितंबर के महीने में इन पौधों में फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए इनके गमलों में 4 से 5 दाने DAP के डाल दें। इन पौधों से अधिक फ्लावरिंग लेने के लिए हमें इनके सूखे हुए फूलों को काटते रहना है ताकि इनमें नए नए फ्लावरिंग बड्स बनते रहें और इनकी नई ग्रोथ भी होती रहे। यदि हम इनकी काट छाट करते रहेंगे और साफ़ सफाई इन पौधों में करते रहेंगे तो ही इन पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी और इनकी लगातार फ्लावरिंग चलती रहेगी। इन पौधों में हर रोज़ फ्लावरिंग होती है। सुबह 9 बजे के आसपास इनमें फूल खिलना शुरू होते हैं और 5-6 बजे तक ये फूल मुरझा जाते हैं। हमें इनकी वाटरिंग का विशेष ध्यान रखना है। जब आप इनमें वाटरिंग करते हैं तो इनके पौधों के ऊपर पानी का छिड़काव नहीं करना है। इन पौधों से अधिक फ्लावरिंग लेनी है तो आप इनको ऐसी जगह रखें जहां पूरे दिन भर की सनलाइट इनको मिलती रहे। यदि आप इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो इनमें लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन पौधों को हमें नेक्स्ट सीजन के लिए कैसे बचा के रखना है। यदि इन पौधों को नेक्स्ट सीजन के लिए बचा के रखना है तो हमें 3-4 महीने की अधिक सर्दी से इन पौधों को बचा के रखना पड़ेगा। इसके लिए हमें इसकी लोकेशन को चेंज करना पड़ेगा। दिन के समय हमें इन पौधों को ऐसी जगह रखना है जहां इनको अधिक से अधिक सनलाइट मिल पाए। रात को जब सर्दी गिरती है तो हमें इनकी लोकेशन को चेंज करना है, हमें इनको छायादार लोकेशन में रख देना है और इन पौधों को सर्दी से बचा के रखना है। बिना रिपोर्टिंग किए ही आप इनके गमलों को नेक्स्ट सीजन तक बचा के रख लें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।